नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कन्नौज जिले में इन दिनों डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड समेत संक्रामक रोग से बड़ी संख्या में लोग बीमार हो रहे हैं। जिला अस्पताल में रोजाना मरीजों की भीड़ इलाज के लिए पहुंच रही है, इससे अस्पताल के बेड भी पूरी तरह भर चुके हैं। बेड की कमी के कारण एक बेड पर दो दो मरीजों का उपचार किया जा रहा। इसके साथ ही चिकित्सकों द्वारा बेड की प्रतिपूर्ति करने के लिए बड़े पैमाने पर मरीजों को डिस्चार्ज किया जा रहा। मामले को लेकर जिला अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शक्ति बसु ने बताया कि अस्पताल में मरीजों को बेड उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था कराई जा रही, मरीजों को बेड के लिए परेशान न होना पड़े इसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग कराई जा रही। कन्नौज से जिला संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। बारे में पता किया, अभी अद्यतन स्थिति ये है कि डिस्चार्जेस के बाद कुछ बेड उपलब्ध हो गए हैं और मैंने उनको तदनुसार निर्देशित कर दिया है कि जब तक पूरी फुल कैपेसिटी भर नहीं जाते वो एडमिशन करेंगे। तो सर देखा बेड खाली पर है काफ़ी, तो हमने देखा अभी। अब वो अभी जो अद्यतन स्थिति हम लोगों ने जानकारी ली है उसमें जो बेडें खाली हैं उसके बारे में उनको निर्देशित कर दिया गया, अब वो एडमिशन करेंगे। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।